डेंगू और चिकनगुनिया, शायद ही कोई ऐसा हो जिसने इन रोगों का नाम ना सुना हो। ये भारत के अधिकतर महानगरों और शहरों में फैले हुए हैं। इनकी खबरें आजकल गांव से भी आने लगी हैं। यदि हमें इनसे मुक्ति पानी है तो हम सबको मिलकर मच्छरों को पनपने से रोकना होगा। कैसे, ये बताएंगे तीन बहादुर और बुद्धिमान बच्चे, पिंकी, राजू और टिंकू। हमारी कहानी शुरू होती है एक गुप्त मीटिंग से, जहां डेंगू फैलाने वाली टाइगर मच्छरों की रानी महारानी एडीज बड़ी चिंतित बैठी हुई है। साथ में है खबरी और फौजी मच्छर। आइए हम भी सुने किस बात को लेकर चिंतित है महारानी एडीज, कौन सी बुरी खबर लाया है खबरी मच्छर। ये तो बड़ी टेंशन वाली खबर लाए हो खबरी मच्छर। जी महारानी, जिले में एक बड़े अभियान की तैयारी हो रही है हमें खत्म करके डेंगू से मुक्ति पाने के लिए, और इस बार स्कूल के बच्चे बढ़ चढ़ के इस अभियान में भाग ले रहे हैं, और डेंगू से बचने के लिए बच्चे बड़ों को रास्ता दिखा रहे हैं तथा उन्हें जागरूक भी कर रहे हैं। लेकिन उनका दिमाग इतना तेज कैसे हो गया? बच्चों का दिमाग बड़ी दूर तक दौड़ता है महारानी जी। वो मच्छरों में कहावत है ना, जिस गली के बच्चे समझदार उस गली में मच्छरों के खतरे हजार। अब चलो छुपकर देखते हैं मामला क्या है, हम भी तो देखें ये तीन बच्चे कौन हैं। ये कहकर तीनों मच्छर उड़ चले। उड़कर पहुँचे राजू के घर के बाहर, जहाँ राजू अपने मित्रों टिंकू और पिंकी के साथ बरामदे में बैठा हुआ है। पिंकी के हाथ में एक लाल रंग का पर्चा था जिसे वे राजू और टिंकू को दिखा रही थी। आज स्कूल में डेंगू और चिकनगुनिया नियंत्रण विभाग से कुछ लोग आए थे और उन्होंने ये पर्चा दिया है। हमें भी मिला है ये। इसमें समझाया गया है कि हम अपने घर, गली और अपने मोहल्ले या इलाके से मच्छरों को कैसे भगा सकते हैं और डेंगू मिटा सकते हैं। महारानी एडी से खबरी मच्छर ने बोला। यही है वो तीन बच्चे महारानी जी। उनके हाथ में क्या है? खबरी हिम्मत करके आगे बढ़ता है। पर्चे में झांकते ही वो डर के मारे थर थर कांपने लगता है। कांपता कांपता वो फौजी और महारानी एडीज के पास पहुंचा। खबरी की यह हालत देखकर फौजी मच्छर ने पूछा, क्या हुआ खबरी, ऐसे थर थर क्यों कांप रहे हो? भयानक पर्चा है वो मच्छरों के लिए, महारानी जी की फोटो भी है उसमें, ऐसे उल्टी मड़ी पड़ी हुई है। चुप, वो महारानी की नहीं तुम्हारी फोटो होगी, हम सब देखने में लगभग एक जैसे ही तो हैं। अरे अकल के अंधो, चुप करो, लड़ो मत, नहीं तो मैं खून पी जाऊंगी तुम्हारा, सुनने दो उनकी बातें। उनके मच्छर रुके हुए साफ पानी में पैदा होते हैं, ये आपके घर में एवं घर के आसपास पनपते हैं, जैसे कि पानी की खुली टंकी में, बाल्टी, कूलर, बोतल, छत पर जमे पानी में, यहाँ तक कि टायरों में, पेड़ के छेद में, नारियल के खोल में और आइसक्रीम के खाली कप में भी, इधर उधर फेंके हुए टूटे फूटे बर्तनों में भी। ठीक इसी समय मास्टर जी वहाँ आ पहुँचे और बच्चों को देखकर बोले, अरे वाह बच्चों, खूब तैयारी हो रही है डेंगू विरोधी अभियान की, होनी भी चाहिए। बारिश के मौसम में जगह जगह पर पानी जमा होता है और मच्छर पनपते हैं, ऐसे उपाय करने होंगे ताकि डेंगू से बचा जा सके। भारत में यह बुखार मादा संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से होता है, जो दिन के समय ही काटती है। डेंगू इन्फेक्शन यानी संक्रमण बड़ा ही खतरनाक है, कभी कभी डेंगू जानलेवा भी हो सकता है। ये सुनकर महारानी एडीज ऊंची आवाज में उड़ते हुए बोली, हाँ हम दिन के समय निकलते हैं खुराक की तलाश में, मौका मिलते ही काट लेते हैं। बरसात के मौसम में लोगों की लापरवाही से जहाँ तहाँ पानी इकट्ठा होगा ही, हम और पनपेंगे और इंसानों पर कहर बरसाएंगे। चलो बच्चों अब घर चलो, काफी बातें हो गई। और हाँ, डेंगू और चिकनगुनिया से बचना है तो ऐसे कपड़े पहना करो जिससे शरीर का ज्यादा हिस्सा ढका रहे और एडीज मच्छरों से सुरक्षित रहे। मास्टर जी, स्टिंकू को समझाइए, ये बड़ा हीरो बना फिरता है। उधर मच्छरों की टोली बड़ी चिंता में थी। दोपहर के समय महारानी एडीज के अड्डे पर फिर से मीटिंग शुरू हुई। खबरी, फौजी, कुछ भी करके हमें उस पर्चे को बच्चों से चुराना होगा।
कल सुबह पहले राजू के घर हमला बोलेंगे, बच्चा गायब कर देंगे और हमारे ठिकानों के मिटाने के सारे उपाय भी गायब। अगली सुबह तीनों मच्छर उड़ निकले राजू के घर की तरफ। जब वो राजू के घर पहुँचे तो देखा कि घर के सभी दरवाजों और खिड़कियों पर जाली लगी हुई है। खबरी मच्छर दूसरे रास्ते से घुसने की कोशिश करता है और देखता है कि राजू मच्छर भगाने की क्रीम लगाकर सो रहा है। उसके बाद फिर दूसरे कमरे में जाता है और वहाँ देखता है कि पिंकी पढ़ रही है। वह जैसे ही कमरे में घुसता है उसका सिर चकराने लगता है और चकराते लड़खड़ाते हुए वह जमीन पर गिर जाता है। अचानक राजू की नींद खुल जाती है। उसे लगा जैसे आसपास कोई है। अजीब सपना था, मुझे लगा कि मच्छर ये पर्चा चुराने आए हैं, कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा हूँ। ये कहकर राजू फिर से सो जाता है। फौजी मच्छर भागता हाफता प्रवेश करता है। महारानी एडीज, हम लूट गए, तबाह हो गए। अरे क्या हुआ? हमें इलाका छोड़ना होगा महारानी एडीज, खुद चल के देखिए महारानी एडीज। अच्छा अच्छा, चलो चलो, जल्दी घबरा जाते हो तुम, क्या होगा तुम्हारा। चलिए महारानी एडीज के पहुंचने से पहले हम चलकर देखते हैं कि राजू की गली में किस बात की हलचल है। अरे उनके हाथों में तो वही लाल पर्चा है जिसमें डेंगू से बचने के उपाय बताए गए हैं। आइए सुने क्या कह रहे हैं बच्चे अपने परिवार के सदस्य और पड़ोसियों से। सुनो 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 सब सुनो, डेंगू और चिकनगुनिया से बचने के सरल उपाय। डेंगू और चिकनगुनिया के मच्छर आमतौर पर ठहरे पानी में पनपते हैं। घर के आसपास पानी जमा ना होने दें। कूलर के पानी को हफ्ते में एक बार जरूर बदले। छोटे बर्तन जैसे पतीले, बाल्टी और वो सारी जगह जहां बारिश का पानी जमा हो सकता है उसे बदले और ढक कर रखें। मच्छर भगाने वाली क्रीम और मैट का प्रयोग करें तथा सभी दरवाजों और खिड़कियों पर जाली अवश्य लगाएं। गर्भवती महिलाओं और बच्चों को दिन में मच्छरदानी में सुलाएं। सप्ताह में एक बार फूलदान, कूलर, पशु पक्षियों के पानी के बर्तन आदि को रगड़ कर साफ करके सुखा कर फिर पानी भरे। वाह बच्चों वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। अगर सब तुम्हारे जैसे हो जाए तो कहीं भी डेंगू और चिकनगुनिया का नामो निशान नहीं रहेगा। अब इस इलाके में डेंगू मच्छरों के लिए कोई जगह नहीं। महारानी एडीज और फौजी मच्छर छुपकर ये सारी तैयारियां देख रहे थे। बच्चों के डेंगू विरोधी अभियान को देखकर महारानी एडीज हताश होकर बोली, ये ठीक कह रहे हैं फौजी, अब हम यहाँ नहीं टिक पाएंगे, डेंगू नहीं फैला पाएंगे। चलिए महारानी एडीज, कहीं और चले, कोई और इलाका ढूंढा जाए। राजू, पिंकी और टिंकू अपनी कामयाबी पर बहुत खुश होते हैं। तीनों बच्चे टीचर जी के साथ राजू के घर के बरामदे में जाकर बैठ जाते हैं। इस बीच आसमान से एक पतंग कट के आती हुई दिखती है। सबसे पहले पिंकी की नजर उस पर पड़ती है। पतंग पतंग, राजू भागकर पतंग को उठा लाता है। पतंग को देखकर पिंकी को एक तरकीब सूझती है। आइडिया, क्यों ना एक पर्चे पर डेंगू और चिकनगुनिया से बचने के उपाय लिखकर हम इस पतंग पर बांध दें और फिर इसे ऊंचा उड़ाकर छोड़ देंगे ताकि हम मोहल्लों, कस्बों और गांवों में डेंगू और चिकनगुनिया से बचने के उपाय बता सकेंगे। हाँ, और जिन बच्चों को मिलेगा वो फिर अपने मोहल्ले में डेंगू विरोधी अभियान चला सकेंगे। मास्टर जी बच्चों के इस प्रयास और उनकी सोच की दाद देते हैं। सब मिलकर हाथ बटाएंगे, संदेश की पतंग उड़ाएंगे, मच्छरों को दूर भगाएंगे और डेंगू से सबको बचाएंगे। अब सुनो जरूरी बात, तेज बुखार और इनमें से कोई दो डेंगू के लक्षण हो सकते हैं। तेज बुखार आना, तेज सिर दर्द, पीठ दर्द होना, आंखों में दर्द होना, त्वचा पर चकत्ते होना और मसूड़ों व नाक से खून बहना। तेज बुखार और इनमें से कोई दो चिकनगुनिया के लक्षण हो सकते हैं। जोड़ों में तेज दर्द व सूजन होना, सिर दर्द होना और त्वचा पर चकत्ते और खुजली होना। ऐसा होने पर तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करें और खून की जांच कराएं। डेंगू और चिकनगुनिया हो तो स्वयं उपचार ना करें। डेंगू और चिकनगुनिया की मुफ्त जांच और उपचार की सुविधा सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है। अधिक जानकारी या किसी भी प्रकार की सहायता के लिए अपने शहर या गाँव के नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।